मित्रों, मनुष्य के दो रूप स्त्री और पुरुष का वर्णन तो आप सभी करते रहते हैं, परंतु कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है, जिसके नाम मात्र से भी आधे से ज्यादा लोग अपने आप को अछूता रखना चाहते हैं। जी हाँ मित्रों, अब यहाँ बात कर रहे हैं किन्नरों की, समाज का एक ऐसा समुदाय जिनकी दुआ और बद्दुआ को अत्यधिक फलंत माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं इस समुदाय से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ा हुआ। मित्रों, क्या आपको ज्ञान है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से रात्रि के मध्य में किया जाता है? यदि नहीं जानते तो आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल दी सनातनी काल पर। आज हम बात करेंगे कि किन्नर के मरने के बाद किया जाता कुछ विधियों के बारे में गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मित्रों, यूं तो किन्नरों को पौराणिक ग्रंथ में यश और गंधर्वों के समान ही स्थान दिया गया है, परंतु इनके अस्तित्व के समान ही इनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी थोड़ी अद्भुत है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसमें वर्णित एक कथा के अनुसार किन्नरों का अंतिम संस्कार अर्धरात्रि में गोपनीय तरीके से किए जाने की व्याख्या की गई है। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी मृत्यु से पहले ही ये पता चल जाता है कि उनके मृत्यु होने वाली है। ऐसा होने पर किन्नर कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि अन्न का त्याग करके पानी पर ही रहना शुरू कर देते हैं, और इस अंतराल में अपने और दूसरे किन्नरों के लिए यही दुआ करते हैं कि उनका अगला जन्म एक किन्नर के रूप में ना हो। ऐसा करने के पीछे किन्नर समुदाय की प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरते हुए किन्नर के मुंह से निकले शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, इसलिए बहुत से लोग मरते हुए किन्नर से आशीर्वाद लेने आते हैं। इसके चलते ही किन्नर समुदाय द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि उनके समुदाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मरण संत और मृत किन्नर की सूचना ना मिले। गरुड़ पुराण में प्रत्येक व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर अलग अलग कर्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें बच्चों और महिलाओं के अंतिम संस्कार को लेकर भी भिन्न भिन्न कर्मों की व्याख्या दी गई है। इसी प्रकार किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़े नियमों में भी भिन्नता है। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों के शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े दाह संस्कार के कर्मों को बताया गया है, परंतु किन्नरों के लिए उनके अंतिम संस्कार क्रिया में दफनाने का प्रावधान है। किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ये भी ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आज़ाद हो सके। ये ही नहीं, दफनाने से पहले किन्नर समुदाय के सभी लोग एकत्रित होकर उस मृत किन्नर के शव को गालियां देते हैं और उसे जूते चप्पलों से मारते भी हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है मित्रों की ऐसा करने से यदि किन्नर के इस जन्म से संबंधित कोई पाप शेष रह भी गए हैं तो वो भी नष्ट हो जाए और अगले जन्म में उसका जन्म एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हो। इसी कड़ी में इनके अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और मान्यता है, जो कि आम लोगों से बिल्कुल अलग है। इस मान्यता के अनुसार मृत किन्नर के शव को किसी साधारण व्यक्ति के समान चार कंधे नहीं दिए जाते, बल्कि किन्नरों के शव को खड़ा करके ले जाने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी मान्यता भी है जो इन सभी मान्यताओं से अधिक चौंका देने वाली है, जिसके अनुसार अगर कोई गैर किन्नर किसी किन्नर की शव यात्रा या फिर मृत किन्नर के शव को देख ले तो उसका अगला जन्म किन्नर योनि में ही होता है। इसलिए किन्नर समुदाय द्वारा ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि दिवंगत किन्नर को कोई
आम जन ना देख पाए, इसलिए मृत्यु होने पर पहले ही अधिकारियों को सूचित कर दिया जाता है कि वहाँ एक किन्नर के शव को दफनाया जाएगा। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु पर भी शोक नहीं बल्कि खुशियाँ मनाई जाती हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार अब उस दिवंगत को किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिल गई है, जिसका धन्यवाद करने के लिए संपूर्ण समुदाय शव के चारों ओर खड़े होकर मृतक की मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव इरावण का नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अब मृत किन्नर को दोबारा किन्नर योनि में जन्म ना दें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ पुण्य दान भी किए जाते हैं, ताकि पुण्य प्रताप के कुछ योगदान से भी दिवंगत को दोबारा किन्नर के रूप में जन्म ना मिले। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा दिवंगत को दफनाने के एक सप्ताह तक व्रत रखा जाता है। इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृत के लिए दुआ करता है कि जिन सौभाग्यों से वो इस जन्म में वंचित रह गया था, अगले जन्म में वो पूर्ण हो और वो सारे सुख उसे एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर मिल सके। मित्रों, गरुड़ पुराण में किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़े भर ही विचित्र मान्यताएं और परंपराएं हैं, परंतु ऐसा करने के पीछे कारणों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि यह किसी साधारण व्यक्ति के हित में ही है। अगर कोई व्यक्ति छुपकर इनका अंतिम संस्कार देखने का प्रयास करता भी है, इस बात की भनक अगर किन्नर समुदाय के लोगों को लग जाती है तो यह दर्शक के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक ग्रंथों, साहित्यों, वेद पुराणों तक में किन्नर हिमालय क्षेत्र में बसने वाले अति प्रतीक्षित व महत्वपूर्ण आदिम जाति है। यहाँ तक कि आदिम शक्ति का अर्धनारेश्वर अवतार भी ऐसा ही किरदार है। इसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और हिंदू धर्म में इस रूप की पूजा भी की जाती है। इसलिए किन्नर के जीवन को और कठिन बनाने वाले समाज को ईश्वर की इस सत्यता को स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, इसी के साथ आपने जाना क्यों किया जाता है रात को ही किन्नरों का अंतिम संस्कार। आपको अगर आज के विषय पर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप अपने सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत